हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे तेजी से बढ़ने वाली इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर दुनिया के अंदर एक बहुत बड़े जाने माने नाम और अरबपति नेटवर्क मार्केटिंग कोच, लीजेंडरी ट्रेनर और ग्लोबल इंस्पिरेशन एरिक वोरे के जरिए लिखी गई दुनिया में सबसे ज्यादा कंट्रीज में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक गोप्रो, जिसका टाइटल है 7 स्टेप्स टू बिकमिंग ए नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल। इस गोप्रो के चैप्टर 9 अध्याय 9 के बारे में आज हम पढ़ेंगे, जो है स्किल नंबर 6 के बारे में, यानी कि नए डिस्ट्रीब्यूटर को व्यापार शुरू करने में मदद करना। आइए देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर एरिक वोरे क्या सिखाते हैं आपको। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में लोग प्रोस्पेक्ट को ज्वाइन कराने के लिए भारी पैसा, प्रयास और समय का निवेश करते हैं और फिर अपने नए डिस्ट्रीब्यूटर को स्वयं यानी कि अपने आप ही सब कुछ करने के लिए उसे उसके हाल पर छोड़कर अपना निवेश गंवा देते हैं। लेकिन प्रोफेशनल्स और मैच्योर लीडर्स ऐसा नहीं करते हैं। वह उचित उम्मीदें निर्धारित करते हैं, वह तुरंत परिणाम प्राप्त करने के लिए अपने टीममेट्स की सहायता करते हैं और फिर वह अपने नए डिस्ट्रीब्यूटर्स को इस प्रोफेशन के कई चरणों, कई स्टेप्स के माध्यम से मार्गदर्शन करते हैं। मैं बहुत भाग्यशाली था, शुरुआत में मुझे एक मेंटोर मिले, माइकल नेल्सन, जो नए डिस्ट्रीब्यूटर के मार्गदर्शन में बहुत कुशल थे। माइकल मेरी अपलाइन में नहीं थे, लेकिन वह मेरे शहर में स्पष्ट और स्ट्रॉन्ग लीडर थे। इसके अलावा उन्हें हमारे प्रोफेशन का बहुत अनुभव था, इसलिए उन्होंने जो कहा मैंने सुना, जो उन्होंने कहा मैंने देखा और मैंने उनसे बहुत सारे सवाल पूछे। उन दिनों मेरे घर के पास उनका छोटा सा कार्यालय था और मैं कुछ सीखने के लिए हमेशा उनके आसपास रहने का प्रयास करता था। माइकल एक बहुत सफल रिक्रूटर थे, वह हमेशा नए लोगों को ला रहे थे, वह हमेशा नए लोगों को बिजनेस के अंदर ज्वाइन कराते थे। माइकल के लोग अच्छा व्यापार करते थे, ये मेरे लिए नहीं हो रहा था, ऐसा मेरे साथ नहीं होता था अक्सर। कुछ लोगों को मैंने ज्वाइन कराया पर कुछ खास नहीं हुआ। जैसे कि मैंने माइकल को देखा, मैंने ध्यान दिया कि जब वह नए डिस्ट्रीब्यूटर को ज्वाइन कराते थे, वह शेड्यूल करते थे जिसे वह कहते थे गेम प्लान इंटरव्यू। मैंने इसे देखने का फैसला लिया कि वह क्या करते हैं, तो जब वह अगली बार नए डिस्ट्रीब्यूटर से मिले, मैं उनके पीछे बैठ गया, इतने करीब कि उनकी बातचीत से नोट्स बना सकूं। मैंने यह कई बार किया और मैं ये सीख के आश्चर्यचकित हुआ कि वह हर बार उसी माध्यम से, उसी तरीके से इंटरव्यू करते थे। मैंने सोचा कि अगर मैं ये इंटरव्यू प्रक्रिया सीख लूं, तब मेरे पास ऐसे परिणामों का मौका होगा। गेम प्लान इंटरव्यू पार्ट 1, वह उनके डिस्ट्रीब्यूटर बनने के निर्णय को मान्य करते हैं। वह कुछ इस तरह कहते, बधाई हो आपके निर्णय लेने पर, अपने जीवन का प्रभार लेने के लिए मुझे आप पर गर्व है। अब से आपके और आपके परिवार के लिए चीजें अलग होने जा रही हैं। इसमें हमेशा 5 मिनट से कम समय लगता था, लेकिन चर्चा के अंत में एक डिस्ट्रीब्यूटर बनने में जो भी संदेह होता दूर हो जाता था। वह महान महसूस करते थे। गेम प्लान इंटरव्यू पार्ट 2, वह उनकी उम्मीदों यानी कि अपने न्यूली ज्वाइंट टीममेट्स की उम्मीदों को निर्धारित करते। वे जानते थे कि अधिकतर लोग अवास्तविक, इम्प्रैक्टिकल उम्मीदों के साथ इस व्यापार में शामिल होते हैं, इसलिए वे हमेशा वही 3 बातें कहते। यदि आप इस व्यापार में सफल हो जाते हैं, तो यह आप पर होगा जिसने ये सफलता बनाई, मेरे ऊपर नहीं। और यदि आप इस व्यापार में असफल हो जाते हैं, तो ये भी आप पर होगा कि ये असफलता आपने बनाई, मैंने नहीं।
मैं यहां आपको इस व्यापार के हर चरण पर मार्गदर्शन करने के लिए हूं, लेकिन मैं आपके लिए काम नहीं कर सकता। मैं आपके साथ काम करने के लिए हूं, लेकिन आपके लिए काम नहीं कर सकता। ये एक बेहतरीन धारणा है, और जो मैं नए डिस्ट्रीब्यूटर के साथ चर्चा करता था उससे काफी अलग। मैं कुछ ऐसा कहता था, आप जो काम करते हो मुझे उससे पैसा मिलता है, इसलिए मैं आपके लिए काम करूंगा, जबकि ये बोलना और ये तरीका गलत है। इससे आपके टीममेट आपके ऊपर निर्भर हो जाते हैं। आप क्या सोचते हैं, किस प्रकार की उम्मीद नए डिस्ट्रीब्यूटर के दिमाग में सेट होगी? मैंने ये भी कहा, हम एक साथ व्यापार का निर्माण करेंगे, जो वास्तव में सच नहीं था। उन्हें एक व्यापार बनाने की जरूरत है, और मैं एक संसाधन हो सकता हूं, लेकिन मैं उनके लिए ऐसा नहीं कर सकता, यानी कि उनके बदले का काम मैं नहीं कर सकता, या उनका काम मैं नहीं कर सकता। अगली बात जो उन्होंने कही थी, मेरा काम आपको जितनी जल्दी हो सके स्वतंत्र, यानी कि फ्रीडम होने में मदद करना है, यानी कि इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बनने में मदद करना है। क्या आप सहमत हैं, ये एक अच्छा लक्ष्य है? फिर ये बात समझ आई, अभी तक जो मेरा समूह था वह पूरी तरह मुझ पर निर्भर था। वह केवल तब कुछ करते जब मैं उन्हें धक्का देता, लेकिन माइकल का समूह था जो बिना किसी सहायता के खुद निर्मित होता जाता। उनके पास डुप्लीकेशन और आजादी थी जो मेरे पास नहीं। इससे संबंध ऊपर बढ़ते गए, इसलिए माइकल अपने समूह के शिक्षक बने, गुलाम नहीं। वह उन्हें अपनी स्किल बताते, और फिर वह स्वतंत्र होकर के, आजाद होकर उससे आगे का निर्माण करते, आगे और नई टीम्स बिल्ड करते। तीसरी बात जो उन्होंने कही थी, जब आप अपने व्यापार का निर्माण करेंगे तब निश्चित रूप से उतार चढ़ाव आएंगे, अच्छा समय आएगा और बुरा समय आएगा। मैं जानता हूं आप एक बुरे समय में थे, जब आप मुझे कॉल नहीं कर रहे थे, आप मीटिंग के लिए नहीं आ रहे थे, आप कॉल पर नहीं थे। अगर मैं बहाने सुनना शुरू कर देता तो चीजें ऐसी ही रहती। जब यह आपके साथ हो सकता है, और ये सबके साथ होता है, आप किस तरह चाहते हो मैं वो संभालूं? क्या आप चाहते हो मैं आपको अकेले छोड़ दूं, या आप चाहते हो कि मैं आपको याद दिलाऊं कि आपने इस निर्णय को पहली जगह क्यों दी, पहली प्रायोरिटी क्यों दी? ये शानदार था, क्योंकि ये सच है कि हर किसी को संदेह का समय होता है। उन्होंने उन्हें बताया कि ये स्वाभाविक है, प्रैक्टिकल है, और उसी समय संबंध बनाए। इन तीन धारणाओं के साथ माइकल ने जो किया वह दुनिया को वादा करने के लिए बहुत अलग था, जैसे मैं कर रहा था, रात और दिन की तरह अलग। मेरे दृष्टिकोण के साथ डिस्ट्रीब्यूटर पीछे बैठकर मेरे प्रदर्शन करने का इंतजार करते, और अगर मैं कभी व्यस्त होता या किसी कारण मदद नहीं कर पाता, तब काम नहीं होने का मैं आसान बहाना बन जाता। माइकल के दृष्टिकोण के साथ उनके लोग जल्दी स्वतंत्र हो जाते। वह उन्हें समय समय पर सिखाते रहते, लेकिन वे अपने समूह में अपने आप को कम परिणाम का बहाना बनाने की अनुमति नहीं देते थे, जबकि मेरे डिस्ट्रीब्यूटर संघर्ष करते पर उनके कामयाब होते थे। गेम प्लान इंटरव्यू पार्ट 3। माइकल एक चेकलिस्ट के माध्यम से नए व्यक्ति को सफलता का सबसे अच्छा मौका होने में मदद करते हैं। प्लान हर कंपनी का अलग हो सकता है, लेकिन धारणा, तरीका तुरंत परिणामों को संभव प्रयास करने के लिए सब कुछ करेगी। यहां कुछ उदाहरण है जो आप अपनी चेकलिस्ट में शामिल कर सकते हैं। नंबर 1, सुनिश्चित करें कि आपका नया डिस्ट्रीब्यूटर को उचित उत्पादों से स्थापित किया गया है। सभी कंपनियों के पास उत्पाद होते हैं जो व्यक्तिगत रूप से उपयोग किए जा सकते हैं, इसलिए सुनिश्चित करें कि आपका नया डिस्ट्रीब्यूटर ऐसा कर रहा है। आपकी कंपनी पर निर्भर होना, उसमें मासिक प्रतिबद्धता, कमिटमेंट शामिल हो सकती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है
कि लोग उत्पादों से भावनात्मक लगाव विकसित करें, और ये तभी हो सकता है जब आप वह जब और ये तभी हो सकता है जब वह उनका उपयोग करें और लाभों का आनंद लें। इसके अलावा कई कंपनियों में उत्पाद नमूने या प्रदर्शन के लिए होते हैं। इस स्थिति में नए डिस्ट्रीब्यूटर के पास उचित उत्पाद होना चाहिए जिससे वह ठीक तैयारी कर पाए। नंबर दो, सुनिश्चित करें कि आपके नए डिस्ट्रीब्यूटर के पास उपयुक्त टूल्स हैं। हमने बात की है कि बड़े और सफल नेटवर्क मार्केटिंग व्यापार का निर्माण करने में टूल्स का कितना महत्व है। आपके नए डिस्ट्रीब्यूटर को तैयार रहने की आवश्यकता है अपने प्रोस्पेक्ट को टूल्स के साथ मदद करने की जो पेशेवर रूप से उन्हें प्रदर्शन प्रक्रिया में ले जाएंगे, यानी कि प्रेजेंटेशन शो करने के लिए। नंबर तीन, सुनिश्चित करें कि आपके नए डिस्ट्रीब्यूटर के पास आपके नया डिस्ट्रीब्यूटर आपसे जुड़ा हुआ हो। उन्हें दिखाएं कि कैसे चीजें कंपनी की वेबसाइट से मिलेंगी, आने वाले इवेंट्स कहाँ आयोजन हैं, कब लीडरशिप कॉल और वेबिनार आयोजित हैं, और इसके अलावा बाकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के लिए वो आपसे कनेक्टेड होने चाहिए। याद रखें, हमारा लक्ष्य उन्हें जल्द से जल्द संभव जितना जल्द से जल्द हो सके जितना जल्द से जल्द संभव हो सके उन्हें स्वतंत्र होने में मदद करना है। ये लक्ष्य को वास्तविकता में बनाने का एक महत्वपूर्ण कदम है। नंबर चार, सुनिश्चित करें कि आपके नए डिस्ट्रीब्यूटर को मार्केट प्लान की बुनियादी समझ है। उन्हें शुरुआत में विस्तार में जानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उन्हें कम से कम महत्वपूर्ण बातों की समझ होनी चाहिए, और आर्थिक रूप से क्या होगा जब वह कुछ स्तरों में आगे बढ़ेंगे, कुछ लेवल और स्टेप्स में आगे बढ़ेंगे, तो फाइनेंशियल क्या उनको बेनिफिट्स मिलेंगे, ये उनको क्लियर होना चाहिए। नंबर पांच, सुनिश्चित करें कि आपके नए डिस्ट्रीब्यूटर को समझ है कि कैसे अपने प्रोस्पेक्ट को आपके अवसर के बारे में अधिक समझने के लिए उचित तरीके से आमंत्रित करें, यानी कि उनको इनवाइट करना अच्छे से आता हो। आप संक्षिप्त में प्रोफेशनली आमंत्रित करने की प्रक्रिया बताकर उन्हें भटकने से बचा सकते हैं। उन्हें सिखाएं इनविटेशन के बारे में, कुछ प्रैक्टिकली डेमो करके दिखाएं, कुछ उनके साथ मॉक टेस्ट करें, लेकिन इनविटेशन प्रक्रिया सिखाना सबसे ज्यादा जरूरी चीज है शुरुआती दौर में। गेम प्लान इंटरव्यू पार्ट फोर, माइकल नए डिस्ट्रीब्यूटर को एक गेम प्लान बनाने में मदद करते थे। पहले कुछ रैंकों को प्राप्त करने के लिए और उन्हें जल्दी ही करने की चुनौती देते थे। वह समझ गए थे और मुझे मदद की समझने में कि यह लोगों को जल्दी परिणाम प्राप्त करने में मदद करने वाली एक दौड़ है। यदि उन्हें जल्दी सकारात्मक परिणाम मिलते हैं तब वे आगे जारी रखेंगे, और अगर वे ऐसा नहीं करते तब वे गायब होने की आशा रखते हैं। हर कंपनी अलग है, इसलिए यह गेम प्लान भी अलग होगा, लेकिन उन सरल कार्यों के बारे में सोचें जिन्हें आप उनके पहले सप्ताह के दौरान सर्वश्रेष्ठ परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। वह अपना पहला ग्राहक कैसे प्राप्त कर सकते हैं? वह अपना पहला डिस्ट्रीब्यूटर कैसे प्राप्त कर सकते हैं? वह क्या आप उन्हें अपनी कंपनी के पहले इवेंट में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं? आप उनका पहला कमीशन चेक कमाने में मदद करने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं? दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता मेरे लिए सच नहीं थी जब तक मैंने पहला चेक नहीं कमाया था। जब वह आया, मेरे लिए सब कुछ बदल गया। मैं सच में अपने और अपने परिवार के लिए बेहतर जीवन बनाने के सपने देखने शुरू कर दिए। अपने नए डिस्ट्रीब्यूटर को जल्दी शुरू करने में मदद करना महत्वपूर्ण है। गेम प्लान इंटरव्यू पार्ट फाइव, माइकल हमेशा कुछ असाइनमेंट देकर समाप्त करते थे। एक बात जो मैंने सीखी कि नए डिस्ट्रीब्यूटर दिशा की इच्छा रखते हैं और वह सामान्य असाइनमेंट को अविश्वसनीय रूप से पूरा करते हैं। माइकल समाप्त करने से पहले उन कार्यों को पूरा करने के लिए एक समय सीमा देते थे। वह अपने नए डिस्ट्रीब्यूटर को एक विशिष्ट दिन में वापस मिलने को कहते थे। ये एक प्रदर्शन प्रोस्पेक्टिंग प्रक्रिया की तरह है। आप प्रदर्शन के बाद प्रदर्शन रखते हैं, यानी कि एक मीटिंग के बाद नेक्स्ट मीटिंग, एक एक्सपोजर के बाद नेक्स्ट एक्सपोजर, लेकिन जब वे डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं प्रदर्शन समाप्त हो जाते हैं, यानी कि एक्सपोजर्स
या आप कह सकते हैं प्रेजेंटेशन या फॉलोअप्स उनके कंप्लीट हो जाते हैं। प्रोफेशनल्स प्रदर्शन से प्रदर्शन, असाइनमेंट से असाइनमेंट जारी रखते हैं। जब गेस्ट के साथ डील करते हैं तो प्रेजेंटेशन के बाद दूसरी प्रेजेंटेशन, यानी कि मीटिंग के बाद मीटिंग, या एक एक्सपोजर के बाद नेक्स्ट एक्सपोजर, या एक मुलाकात के बाद नेक्स्ट मुलाकात के तरीके या टूल्स या कुछ एक्सक्यूजेस या बहाने, या आप कह सकते हैं कि रास्ते बनाते थे या ढूंढते थे। लेकिन जब कोई उनके साथ टीम में आ जाता है तो असाइनमेंट से असाइनमेंट कनेक्ट करते थे। जब किसी को ट्रेनिंग देते थे तो साथ में कुछ होमवर्क देते थे, असाइनमेंट, नेक्स्ट टाइम उसे चेक करने के लिए बोलते थे। जब नेक्स्ट टाइम उसे देखते थे तो आगे के लिए कुछ होमवर्क देते थे, कोई ऑडियो या वीडियो या कोई बुक या कुछ और, कुछ ना कुछ स्टडी मटेरियल, कुछ ना कुछ वर्किंग के लिए एक्शन प्लान के कुछ स्टेप्स, इस तरह से। इन सब चीजों के करने का उद्देश्य नए डिस्ट्रीब्यूटर को सही दिशा पर लाने में मदद करना है। जब कोई शुरुआत करता है तो सफलता और असफलता के बीच में हमेशा एक रेखा होती है। रेखा के एक तरफ जारी रखने की तुलना में छोड़ना आसान है, और रेखा के दूसरी तरफ छोड़ने की तुलना में जारी रखना आसान है। एक डिस्ट्रीब्यूटर को रेखा पर रखने में क्या क्या मदद कर सकते हैं? उनका पहला ग्राहक ज्वाइन कराना, उनका पहला डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन करना, उनका पहला कमीशन चेक प्राप्त करना, उन्हें कंपनी के एक बड़े इवेंट में शामिल करना, संगठन के अंदर दोस्त बनाना, उनके इरादों की दुनिया में घोषणा करना, एक नए स्तर, एक नए लेवल पर प्रमोट करना, कुछ उपलब्धियों के लिए मान्यता प्राप्त कराना, सैकड़ों अन्य चीजें जो किसी व्यक्ति को रेखा पर रखने में योग्य रखते हैं। स्पॉन्सर के रूप में आपका काम उनको रेखा पर रखना और उस रेखा में रहने में मदद करना है, यानी कि लाइन के उस पार रखना कि जिधर उनके टिके रहने के चांसेस ज्यादा रहें बामुकाबले इसके कि वो छोड़ दें या वो छोड़ सकें। रेखा कभी दूर नहीं जाती, वह हमेशा वही है, और एक लीडर के रूप में आपको लगातार जानकारी रखने की आवश्यकता है कि आपके लोग भावनात्मक रूप से, इमोशनल रूप से, साइकोलॉजिकल रूप से, मेंटली रूप से किधर हैं। इस तरह आप उन्हें प्रोत्साहित करना जारी रख सकते हैं, जिससे वह कभी अपने सपनों के बाहर नहीं जाएं। दोस्तों, इस वीडियो को बार बार सुने, इन बातों को प्रैक्टिकली अप्लाई करें। ये बातें उस किताब के अंदर से हैं जिसका नाम GoPro है, जो कि वर्ल्ड के 100 से ज्यादा कंट्रीज के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर करोड़ों लोग पढ़ते हैं, अपनी टीम के अंदर प्रमोट करते हैं, जिसको लिखने वाले मिस्टर एरिक वोरे दुनिया के अंदर एक लीजेंडरी सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटर होने के साथ साथ एक बहुत शानदार ग्लोबल लेवल पर वेल नोन ट्रेनर है, नेटवर्क मार्केटिंग के कोच हैं, और एक ऐसे राइटर हैं कि दुनिया का हर एक कामयाब नेटवर्कर उनको इज्जत देता है और उनके बहुत सारे तरीकों को फॉलो करता है। तो इस वीडियो को बार बार सुने, बार बार इससे सीखें, रिवाइज करें, बार बार रिवीजन करें, रिपीटेशन करें, इन चीजों को फॉलो करें, अपनी टीम में प्रमोट करें। इस वीडियो को बार 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 अपनी टीम के ग्रुप्स में, पर्सनली भी और हर जगह शेयर करें, और साथ ही साथ ये वीडियो जिस प्लेलिस्ट के अंदर है हमारे चैनल में, उस प्लेलिस्ट में आपको सारे के सारे चैप्टर्स के हिंदी ट्रांसलेशंस और एक्सप्लेनेशंस मिल जाएंगे। उनको बार बार आप देखें, सुने, उनसे फायदा उठाएं, अपनी पूरी टीम तक पहुंचाएं, और सभी वीडियोस इन सभी चैप्टर्स की, और साथ ही वो प्लेलिस्ट अपनी पूरी टीम से हर हफ्ते, हर महीने बार बार जरूर शेयर करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा नाम बनाएंगे और बहुत कामयाब होंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर। थैंक यू सो मच।